एंड भैया की ये वाली गाड़ी है स्विफ्ट है और ये देखो ये तो पूरी ही पिचक चुकी है यहाँ से। यार गलती हमारी गलती हमारी गलती नहीं। हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। आज हमको जाना था दिल्ली, सुबह 5 बजे निकलना था बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो ये मेरा मेन फ़ोन है ना आईफोन 12 प्रो ये हो चुका है डिसेबल। मैं इसका पासवर्ड भूल गया, पता नहीं कल लगाया था और मैं तो माइंड में नहीं आ रहा। तो अभी इसमें एक घंटे का टाइम आ रहा है बराबर ही और एक चांस मिल रहा है। तो सुबह 4 बजे से मैं लगा हुआ हूँ और ये खुल नहीं रहा और इसको मैं रीसेट भी नहीं कर सकता बिकॉज इसके अंदर सारा डाटा है, सब कुछ है, मेरा मेन फ़ोन है ये। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पासवर्ड मुझे याद आ जाए क्या डाला था मैंने, क्या डाला था, बट याद नहीं आ रहा है। फिलहाल निकलते देखते हैं, नहीं तो फिर रीसेट ही करना पड़ेगा सारा डाटा मेरा, सब कुछ चला जाएगा। 19 मिनट बाद ट्राई कर सकते हैं, वो भी एक चांस मिले। नहीं धोया यार, मुंह भी नहीं धोया लग रहा है उसका। मम्मी हमेशा सेफ रखती है। रख दो ठीक है मम्मी जी, ठीक है ख्याल रखना। भगवान जी से दुआ करता हूँ मेरा फोन का पासवर्ड खुल जाए। आराम से जाना, फोन हो गया, फोन खुल गया, नहीं खुला, खुल जाएगा टेंशन मत ले। तो अभी तीनों भाई रेडी हैं, निकलते हैं दिल्ली के लिए। मेरा फोन खुल जाए, 4 मिनट रह गए, 4 मिनट बाद ट्राई कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा 1111111। लास्ट टाइम पीयूष पासवर्ड भूल गया था, तब वीडियो बनाई थी मैंने, आज मैं ही भूल गया। खुल गया, खुल गया, ओ भाई। चलो फाइनली अब मैं अपना व्हाट्सएप सब कुछ चला सकता हूँ, मुझे फोन रिस्टोर नहीं करना पड़ेगा। मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भरा। तो भी गाइस पंगा हो गया है, हमारी गाड़ी एकदम से ठुकी, ये आगे थी और हमारी ठुकी एकदम से। सर आपने एकदम से ब्रेक लगाई है ना, तो मैंने भी तो पुलिस पीछे वाले को उसको बचाया। हमारे ये दोनों निकल गए हैं, ये देखो ये गया। तो हमारी गाड़ी के दोनों ये टूट चुके हैं, देखो ये भी टूट गया, ये भी टूट गया जो यहाँ पे लगे होते थे। और ये देखो यहाँ से पूरा पेंट निकल गया है, पूरा दब गया अंदर। और ये भी निकल गया यहाँ से पूरा, भाई मैंने पूरा कंट्रोल किया था लिटरली। तो अभी गाइस खतरनाक वाला पंगा हो गया, आगे वाली गाड़ी ने रोकी और मैंने एकदम से ब्रेक लगाई बट फिर भी थोड़ी सी लग गई हमारी गाड़ी और काफ़ी टूट चुकी आगे से, और उनकी तो पीछे से पूरी पिचक गई है, दिखाता हूँ मैं आपको। एंड भैया की ये वाली गाड़ी है स्विफ्ट है और ये देखो ये तो पूरी ही पिचक चुकी है यहाँ से। यार गलती हमारी, हमारी गलती नहीं। अच्छा तीन गाड़ियाँ ठुकी है। अच्छा इसके आगे एक और गाड़ी थी, उसके पीछे ये गाड़ी थी, उसके पीछे हमारी थी। ये देखो ये पूरा चेंज कराना पड़ेगा, ये भी चेंज कराना पड़ेगा भाई, ये भी चेंज कराना पड़ेगा, ये भी चेंज कराना पड़ेगा, ये भी चेंज कराने पड़ेंगे टूट के। भैया तो गए भाई, चलो चलो रहने दो आ जाओ। मैंने इतनी कस के ब्रेक लगाई ना लिटरली, बहुत कस के, फिर भी लगी गई। मैंने दूर से ब्रेक मारनी स्टार्ट करी थी ताकि पीछे वाले को भी वो हो जाए, अगर मैं सडनली एकदम से ब्रेक मारता ना पीछे वाला ठोक देता अपने पीछे से भी जाती, पीछे जाती आगे से जाती, पीछे से और गंदी जाती। मेरे को पता है किस तरह से ब्रेक लगानी चाहिए। चलो जो भी है, मैंने एकदम से ब्रेक नहीं लगाई क्योंकि एकदम से ब्रेक नहीं लगानी चाहिए कभी भी, क्योंकि पीछे वाला ठोक सकता है ना। मुझे दिख गया था कि उसने रोक की एकदम से, तो अब एकदम से उसने तो बिल्कुल ही रोक ही थी गाड़ी क्योंकि उसके आगे एक और गाड़ी थी। तो फिर मैंने हल्की मैं झटके में ब्रेक लगाई, मैंने ऐसे ऐसे करके झटके में ब्रेक लगाई क्योंकि झटके में ही लगानी चाहिए। एकदम से ब्रेक लगा तो फिर पीछे का ट्रक हो, ट्रक ठोक दे, फिर पीछे ज्यादा खतरा है ना अपने को, आगे वाला चलो हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने काफी कंट्रोल करा और मतलब डर भी लगा, मतलब ठीक है यार। भैया ने भी कुछ नहीं बोला बिकॉज आगे वाले ही गलती थी, उसने रोकी फिर भैया ने रोकी और फिर मैं तो जितना कंट्रोल में हो सकता था, बिकॉज मैं जब घर से निकलता हूँ ना तो मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में निकलता हूँ, बिकॉज हम तीनों भाई हैं, इतनी बड़ी गाड़ी तो मैं ध्यान से चलाता हूँ, बट देख लो रोड है, रोड पर कुछ भी हो सकता है। अभी थोड़ा मूड खराब हो गया बिकॉज अभी हम पार्टी में जा रहे थे और नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। अभी यहाँ से सिर्फ 68 किलोमीटर बाकी है। तो भी गाइस फाइनली हम पहुंच गए और टाइम हो रहा है अभी 2 बज रहे हैं, लेकिन मीटिंग का टाइम था 3 बजे का, तो हम 1 घंटा पहले पहुंच गए। तो सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं, बाय द वे यहाँ पार्क किए, हमको इस वाली बिल्डिंग पे ही जाना है यहीं पे। लेकिन इसको देख के बहुत दुख हो रहा है यार, क्योंकि आगे से तो देखो ये पूरी यहाँ से पिचक गई है और ये पेंट सब निकल गया इसका यहाँ से। चलना भूख लग रही है यार, फिर सोचना गाड़ी की। मेरी तो सारी एक्साइटमेंट खत्म होगी यार गाड़ी ठुकने के बाद। ये गाड़ी पता नहीं कितने सालों से खड़ी है यहाँ। जस्टिस फॉर दिस कार। ऊपर से इतनी तगड़ी वाली भूख लग रही है, 2 बज के सुबह से कुछ नहीं खाया और कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, मुझे दाल चावल खाना है। तो अभी गाइस फाइनली हम सोसाइटी के अंदर आ चुके हैं, एंड गेमर फ्लिट भैया भी हमको मिल चुके हैं। yes. और अभी हम और यूट्यूबर्स का वेट कर रहे हैं, कुछ नाम बता देता हूँ। हाँ, नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। मिथपैट,
स्ले पॉइंट एंड टेक्नो गेमर्स उज्जवल भाई। भाई मैं तो सबसे ज्यादा उज्जवल भाई से मिलने के लिए, मैं मित पैर सभी से मिलने के लिए स्ले पॉइंट सबसे तो। लेकिन आप दिल्ली का भाई ये बताओ पहले भाई, दिल्ली हमको छोड़ के आगे हमको बताया भी नहीं आपने भाई। ये कौन सी गाड़ी है भाई, ये कौन सी गाड़ी है, इसके नीचे तो यार कोई भी नहीं, और ये भी नहीं घुस पाएगा इसके नीचे। बाय द वे भैया हमारे लिए मस्त मिठाई लेके आए हैं, कोकोनट वाला, ये बहुत टेस्टी होता है। 4:30 हो गए यार, अभी तक नहीं आए देख लो। अरे मैं तो भूल गया था, अभी आ रहे हैं। भूल गया था तू? अरे अभी तो क्रेजी क्रेजी होने वाले हैं भाई, जिन लोगों से मिलने वाले हैं मजा आएगा, मेरा डोला। तो अभी गाइस फाइनली खाना आ चुका है, अब खाना खाते हैं। ये पनीर और ये दाल, दाल चावल ही हो गया ये, चलो पेलो। तो अभी सोसाइटी में कुछ बच्चे मिले हमारे सब्सक्राइबर्स। तो अभी गाइस फाइनली सभी के सभी आ चुके हैं, ये हमारे साथ में टेक्नो गेमर्स उज्जवल भाई एंड उज्जवल भाई के भाई अंकित भाई और मित पैड भाई प्ले पॉइंट। तो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे शोर रहे से मैं कम व्लॉग कर रहा हूँ। हाय गाइस, हाय गाइस, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हमें एस्टीम्ड पीयूष सर ने अपना नंबर दिया, इसने लिखा ना फोन पे, कह रहे बाबा जी का नंबर, खुद का नंबर ऐसे सेव किया था पीयूष सर। ये इसका नंबर नहीं है, मम्मी का नंबर है। अरे हाय हेलो भेज दिए भाई, मम्मी का है इसका नहीं है। मम्मी को भाई बिजनेस फैन ही हो। आपका नंबर दोगे मुझे? आपका नंबर दोगे मुझे? 54789। अरे वीडियो ऑन है, सरदार के सरदार आ चुके हैं, सूर्यवंशी। तो ये बात चल रही है हमारे ऊपर एक रोस्ट वीडियो बनने की। यस, नेक्स्ट वीडियो इसने खुद बोला है कि प्लीज मुझे रोस्ट करो और मैं ही शुरू करूंगा वीडियो, जैसा आपने बोला था। तो इससे हमारी कंट्रोवर्सी होगी और फिर व्यूज। तो भी काफी मस्ती की हम सब यूट्यूबर्स ने मिलके, अभी जा रहे डिनर करने के लिए और वहाँ भी मस्ती करेंगे। तो अभी सभी के सभी कुछ तो फॉर्च्यूनर में जाएंगे और कुछ उनकी गाड़ी में जाएंगे। तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके भाई, आपको आपको वीडियोस में देखते थे, आज रियल लाइफ में देख रहे हैं। सेम हियर, और कांग्रेट्स आपको इतनी सही गाड़ी के लिए, आज ड्राइव दे रहे हैं सौरभ भाई हम सबको, सबको बैठा है वही, क्या प्रिविलेज। वाह वाह वाह, लगा नहीं तुम क्यों चाहती हो, तू चला अभी, तू चला। तो आज हमारा डिनर होगा यहाँ पे, सबके नेम टैग भी लगे यहाँ पे, देखो पीयूष, पीयूष यहाँ बैठेगा एंड सौरभ मेरा यहाँ पे है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो भी सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रोफेशनल ब्लॉगर इसे कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे बाबा ऐसे नहीं बोलने का रे। पहला घास गौतमी को, दूसरा घास हंसी को, तीसरा प्रणव को, चौथा सौरभ को, पांचवा मित्र को, छठवा साहिल को, जैसे नाम सबका मालूम है, आठवा अंकित को, नौवा नौवा उज्जवल को, दसवा अभ्युदय। तो अभी यहाँ बैठे हैं कुछ 30-35 मिलियन सब्सक्राइबर वाले, कुछ 25-30 मिलियन वहाँ बैठे हैं। मैं हूँ सौरभ जोशी, द बिगेस्ट ब्लॉगर इन इंडिया। मैं हूँ मानसिनी, मानसिनी। मैं हूँ मिथिलेश मिथ पैट। चलो अपने चावल तो आगे। तो अभी गाइस रात के 11:11 बज चुके हैं और अभी सबके जाने का टाइम आ चुका है, तो सबको अलविदा करते हैं। पीयूष को तो मजा आ गया ना? अरे फुल टाइम चिपका, तेरे को लगा मैं एक बॉडी को फेविकॉल लगा दी, ये देख ऐसे ही था फुल टाइम। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आते रहना अभी मुंबई। हां हां मिलते हैं, तू तो चल, पीयूष तो घर चल, पीयूष तो घर चल, पीयूष तो घर चल, हमारे साथ। तो अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं और जाके मुझे एडिटिंग भी कर रही हैं। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड गाड़ी ठुक गई यार, जो कि देखते हैं अब किस तरह ठीक होगी, जो भी रहेगा वो आप देख लेना। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। आज अपन मराठी सगळ्यांना बोलणार आहोत, सगळ्यांना बोलणार आहोत, लाईक शेअर सबस्क्राईब, लाईक शेअर सबस्क्राईब, आणि आणि खुश राहा, खुश राहा। ओके।
can take you back.